नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत स्वागत करती हूँ आपका सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। माँ नर्मदा जी के जलस्तर का संरक्षण एवं नर्मदा नदी पर मिलने वाले नालों को रोकने के लिए सुनिश्चित प्रयास करना जरूरी। भासेवीप भारत भक्ति युवा भगीरथी यात्रा के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नावघट माँ नर्मदा जी पर मिलने वाले बड़े नाले में किया श्रमदान। बीएसवीपी यूथ लकी ब्रह्मैया ने बताया, जहाँ धर्म आस्था की विचारधारा बहती है, उन्हीं धाराओं को मंडला नगर के बड़े बड़े नाले माँ नर्मदा जी को प्रदूषित करती है। यह सिलसिला कोई आज से नहीं, कई सालों से माँ नर्मदा जी को यह कष्ट सहना करना पड़ रहा। अगर लंबे समय तक ऐसे ही परिस्थिति रही तो हम सब जानते हैं माँ नर्मदा जी प्रकोप फिर हम आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को यह बताएंगे कि हमारे मंडला में भी कभी माँ नर्मदा जी बहती थी। स्थानीय संबंधित प्रशासन को भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि परिवर्तन करने के उद्देश्य से कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आता नहीं। पिछले वर्ष 21 फरवरी से 28 फरवरी तक युवा भारत भक्ति युवा भागीरथी यात्रा संपन्न हुई थी। आज एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संगठन के युवाओं द्वारा स्थानीय नावघाट माँ नर्मदा जी पर मिलने वाले बड़े नाले पर घुसकर श्रमदान कर साफ सफाई की गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मंडला से सुधीर हरदा की रिपोर्ट। जिससे मैं यहाँ जिला कलेक्टर महोदय जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे मंडला क्षेत्र में जितने भी नाले हैं और जिससे एक नाला यह आता है और यह गंदगी कम करने का हमारा आज का यह श्रमदान हुआ और बीएसवीपी मंडला।